नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण रंगारी है और मैंने एमएस जनरल सर्जरी की है। मैंने एमएस जनरल सर्जरी जेजे हॉस्पिटल ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में है वहाँ से की। ये मैंने 1993 में पास की और उसके बाद से 1995 से मैं मीरा रोड में एज ए कंसल्टिंग जनरल सर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम विपश्यना हॉस्पिटल है। ये विपश्यना हॉस्पिटल 10 बेडेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पर सारी सर्जरी की जाती है। हम लैप्रोस्कोपी, ओपन सर्जरी सब सर्जरी करते हैं और मेरे साथ में फिजिशियन भी हैं। और ये करते हुए मुझे काफ़ी अनुभव यानी सर्जरी के फील्ड से लेकर, डाइट के फील्ड से लेकर, एक्सरसाइज फील्ड तक काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। और ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ प्रदीप भाई शाह की रिक्वेस्ट के ऊपर, जिनके साथ में मैंने कुछ साल पहले, एक साल पहले ही एक लोनावाला में शिविर किया था नेचुरल डाइट सिस्टम पर, जिससे मुझे खुद को काफ़ी लाभ हुआ। और मैंने जब ये अप्लाई अपने पेशेंट्स के ऊपर किए तो उसका काफ़ी लाभ पेशेंट्स को भी मिला है, जिसका मैं तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इन लोगों के सानिध्य में, इन लोगों की कंपनी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं प्रदीप भाई शाह का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि इस अपने कुछ शेयरिंग है, अपने कुछ अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्रदीप भाई शाह काफ़ी अच्छे स्पीकर है, उनका अनुभव मैंने काफ़ी सुना है और उनका द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और द वे ऑफ टेलिंग द थिंग्स, जिस तरह से उन्होंने लोनावाला में जो शिविर बहुत ही अच्छी तरह से 3 दिन का एक बहुत अच्छा शिविर उन्होंने कंडक्ट किया है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने व्यूज़ है उनके साथ में शेयर कर सकूँ। आज मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि हैप्पी लाइफ के लिए नेचुरल फूड कितना ज़रूरी है। अगर हम नेचुरल फूड ले तो हमारी लाइफ हैप्पी और हेल्दी रहेगी। इसके लिए नेचुरल फूड यानी क्या, नेचुरल फूड किसको कहते हैं, जो जीवंत फूड रहता है, जो जीवंत यानी जिसमें लाइफ होता है, अगर उस तरह का हम फूड लेंगे तो हमारे जीवन में लाइफ यानी दिस इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। द लिविंग फूड इज़ अ बॉडी बिल्डिंग, जो जीवंत फूड रहता है, जो जीवंत खाना रहता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड रहता है, जो हमें एनर्जी देता है। जो डेड फूड रहता है वो डेड फूड हमें एनर्जी नहीं देता है, वो हमें सिर्फ टेस्ट और लालच के सिवा और कुछ नहीं देता है। तो आइए जानिए कि लिविंग फूड क्या रहता है। लिविंग फूड यानी फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स जो जिस जगह पर जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, उसे लिविंग फूड कहते हैं। क्योंकि उसे हम मारते नहीं हैं, हम उसे ख़त्म नहीं करते, उसको डेड नहीं करते, पर हम उसे जीवंत खाते हैं। दूसरा है स्प्राउट्स, जितने भी अंकुरित अनाज रहते हैं, अंकुरित अनाज ये जीवंत फूड है। ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स ये जो हम उसको सुखा कर, हम जब जब हमें उनकी ज़रूरत रहती है तो हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स है। और सलाद, काकड़ी, गाजर, टमाटर है, पत्ता गोभी है, इनके पत्ते हैं, तो ये जो सलाद है ये लिविंग फूड है। ये लिविंग फूड हम जब खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा। जब हम डेड फूड खाएंगे, जो भी डेड फूड है वो हमें एनर्जी नहीं दे सकता है। तो हम मैं चाहता हूँ कि आप भी सब ये जीवंत फूड जितना हो सके अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। कम से कम 60-70%, एटलीस्ट 70% ये जीवंत फूड हमें अपने डाइट में लेना चाहिए, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, हमारे बॉडी बिल्डिंग होगा और हमारा दिमाग और शरीर ये दोनों ही विकसित होंगे। और जब तक हम जिंदा है तब तक हमें ये एनर्जी देंगे और हमें एक जीने की नई राह दिखाएंगे। हमें क्या फूड अवॉइड करना चाहिए, हमें जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसान पैदा हुए हैं, तो हमारी जो नॉर्मल डाइट है वो वेजिटेरियन डाइट है। नॉन वेजिटेरियन ये हमारी डाइट नहीं है,
नॉन वेजिटेरियन यानी जो जानवर हैं जैसे शेर चीता, उनका ये डाइट है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट है। जो शहरों में गांवों में जो लोग रहते हैं जो इंसान हैं उनका डाइट है वेजिटेरियन डाइट है। इसलिए हमें नॉन वेज है नॉन वेज फूड अवॉइड करना चाहिए। नॉन वेज यानी जहाँ से भी जिस भी जगह से हमें नॉन वेज मिलता है, नॉन वेज यानी जानवरों से जो खाना आता है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले मिल्क, और मिल्क से जो भी बनी हुई चीज़ें रहती है जैसे दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, बटर है, चीज़ है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, केक है, पेस्ट्रीज है, इत्यादि, घी है, ये बहुत बड़े ऐसे फूड है जिससे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल हमें बहुत हानिकारक है। वो कोलेस्ट्रॉल हमें है वेज फूड यानी जो अंकुरित फूड है जो ड्राई फ्रूट्स है उससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। तो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, बैड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं है। ये जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये हमें बैड कोलेस्ट्रॉल देंगे। ये बैड कोलेस्ट्रॉल देंगे जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और किडनी की डिजीज़ है, और बहुत सारी डिजीज़ हमें हो सकती है। इसलिए ये फूड है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। मिल्क है जैसे मिल्क हम हमारा जो इंसान का मिल्क है वो इंसान को देते हैं, वो जीवंत फूड है, वो जीवंत है, वो हम इंसान इंसान के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दूसरे जानवर है वो दूसरे जानवर को नहीं देते, वो अपने ही कम्युनिटी में मिल्क है उनको लेने को अलाउड है, दूसरे का मिल्क अलाउड नहीं है। पर हम इंसान दूसरे का मिल्क लेकर दूसरे की चोरी कर एक भी इस तरह से एक ऐसा हो जाता है कि हम चोरी कर और उसको यूटिलाइज करते हैं जिसकी हमें सजा आगे के जीवन में भुगतनी पड़ती है। तो मिल्क है और मिल्क के प्रोडक्ट्स है ये अवॉइड करने चाहिए जिससे हमारी हेल्थ आखिरी दम तक अच्छी रहेगी। हमें बचपन से ही एक माँ बाप ने आदत सिखा दी रहती है, अंग्रेजों ने तो आके हमें ये आदत दे दी है, चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है। चाय और कॉफ़ी ये दोनों स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट यानी वो हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करते, तो हमें लगता है कि हमारा हेडेक ख़त्म हो गया। हम क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे हैं जब छोटे रहते हैं तो आपको हेडेक होता है क्या, या हेडेक होने के बाद हेडेक हो रहा है तो हम लोग ने चाय कॉफ़ी पिया तो हमारा हेडेक निकल गया, नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये बचपन से एक आदत, एक हैबिट हो गए, एक संस्कार हमारे में डेवलप हो गया जिससे हम अभी भी एक बहाना बनाते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने से हमारा जो दिमाग है वो काम करने लगता है और हमारा हेडेक कम हो जाता है। अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो हमें हेडेक होगा, ये सबसे बहुत बुरी धारणा है, और इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है चाय कॉफ़ी का कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन चाय कॉफ़ी जो है वो हमारे पेट की आतड़ियाँ जो रहती है उसका जो पानी है वो खींच लेती है, पानी खींच लेने के बाद वो आतड़ियों को सूखा कर देती है और उससे हमें बार बार कॉन्स्टिपेशन होने की आदत सी एक लग जाती है। जैसे अगर अगर ये कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहेगा तो उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक सिंपल एक एग्जांपल की तरह से समझ जाए तो जैसे एक किचन, अपने किचन है या अपना घर है या अपना जो भी फ्लैट है, अपना घर है, वो घर में हम जो भी कूड़ा कचरा है, हम किचन में हैं, काम करते हैं, किचन से जो भी गंदगी निकलती है वो कूड़े में डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, वो सुबह में हम उसे खाली कर देते हैं, उसे वो जो कचरे वाले रहते हैं उनको हम दे देते हैं जिससे कि हमारा किचन सफ़ा रहे। उसी तरह से हमारा पेट भी सफ़ा होना चाहिए। अगर हमारा पेट सफ़ा नहीं रहेगा तो उसमें सारी गंदगियाँ फैल जाएगी और उसमें कीटाणु है, इन्फेक्शन डेवलप होगा, इसलिए पेट भी साफ़ होना चाहिए। तो इसलिए है चाय कॉफ़ी है जिसको अवॉइड करना चाहिए। ये अवॉइड करने से आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकल जाएगा, और एक बार वो निकल गया और आपने चाय कॉफ़ी को छोड़ दिया तो ये वापस नहीं आएगी, और आपके आपके जो इंटेस्टाइंस है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइंस है, और बाकी के जो ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, वो नॉर्मल काम करेंगे, हमें उनको छेड़ना नहीं है। एक जिस तरह से अगर हम किसी सांप को छेड़ेंगे तो
तो हमें वो काट लेगा, पर अगर उसको हम छोड़ देंगे वो अपने आप चला जाएगा तो आपको कुछ नहीं करेगा। तो उसी तरह से हमें भी ज़िंदगी में उतनी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कोई सांप है वो सांप को हम छेड़ेंगे तो वो हमें काटेगा, इसी तरह से चाय है कॉफ़ी है जो हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करेंगे, अगर हम उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो ये हमारे दिमाग में गलत नेगेटिव थॉट्स डेवलप करेंगे, डेवलप थॉट्स करेंगे तो ये हमारा ही नुकसान करेगा। तो चाय कॉफ़ी है वो बिल्कुल छोड़ दीजिए, जिससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट। जंक फूड है वो तो सबको अच्छा लगता है, जंक फूड है कोई भी देखेगा तो उसको लालच आता है। तो सबसे बड़ा जिस इंसान को जंक फूड देखकर लालच आता है, पेट में खाने की इच्छा होती है, तो एक ये लालच है, एक बहुत बड़ा विकार है, जिससे जो जिस तरह से वो डेवलप होते जाएगा, यानी वो किसी तरह से हमारे पे हावी होता है, वो हावी होने के बाद जब वो एक विकार की तरह डेवलप होगा, वो डेवलप होते होते जब हम 40 के बाद 45 50 साल के बाद हमें एक एक वो अपना रंग दिखाना चालू होता है। तो जैसा दिखता है, जैसे इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो वैसा नहीं रहता है, वो हमें इतने जल्दी नहीं समझता है जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं आता है। ये मैंने खुद ने अनुभव किया है, मुझे 60 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी उम्र करीब 60 ईयर्स हो गई है, और ये 60 ईयर्स में मैंने जो जो अनुभव किया है वो मैं ही आपको शेयर कर रहा हूँ, और बहुत कुछ इन शिविरों से मैंने सीखा है, तो इसका अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैं अपने आप को मैंने जो अनुभव किया है वो आपके बताता हूँ। और जंक फूड है, जैसे मैदा है, मैदा मेड फूड, ये हम भी ह्यूमन बींग्स है नहीं, हम लोग भी जानवर है नहीं, हम भी इंसान है, वो खाने के लिए सब चीज़ बनाते हैं, पर जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने लिए कुछ बनाते हैं? कुछ नहीं बनाते, उनको कुछ नहीं, उनको कुदरत है ऑटोमेटिकली सब कुछ दे देती है, जो सनलाइट है, धूप है, पानी है, हवा है, ये सारा खाना उनके लिए बनाकर रेडी रख के दे देती है, वो वही खाना खाते, उसमें उनको और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए है जानवर है वो बहुत खुश रहते। इंसान है, इंसान को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें लेने के बाद ऐसा लगता है कि हम ये खाना खाएंगे, हम ये मेडिसिन लेंगे, हम ये गोली खाएंगे, हम ये इस तरह हम अगर खाना बनाएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मराठी में एक मन है, जैसा दिसत तस नसत म्हणून जग फसत, अभी ये सच है, पर हमें जब हम यंग रहते हैं तो हमें इसकी जानी नहीं रहती, जब हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाएगी तो ये इसका अनुभव होते जाएगा, इसलिए जितने भी जंक फूड हैं, मैदा मेड फूड है, भजिया है, वड़ा पाव है, समोसा है, जो भी इस तरह की खाना है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जो अमेरिका ने वहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि ये फास्ट फूड है, फटाफट बनता है, फटाफट हमारा पेट भरता है और हम काम पर जाते हैं और सोचते हैं कि हमें इससे एनर्जी मिलेगी, पर इससे एनर्जी नहीं, इससे आपका फैट बढ़ेगा, आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, आपका फैट बढ़ेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होंगे, आपको डिजीजेस आएंगे, डायबिटीज़ आएगा, ब्लड प्रेशर आएंगे, सारे डिजीजेस इनसे आएगा। फरसान है, ये सब फरसान बेसन के है, ये सब बेसन के जो चीज़ें हैं ये अवॉइड करने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स है, पेप्सी, थम्स अप, सोडा, इनो, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और तीन वाइट पॉइजन जो सबसे बड़े हैं वो एक तो सॉल्ट है, शुगर है, मिल्क है। मिल्क ज़्यादा लेने से आपको एसिडिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये बढ़ेगा। सॉल्ट ज़्यादा लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ गया तो उसका इफेक्ट किडनी पे होगा, अगर वो किडनी पे, किडनी क्या है एक सिंपल तरीके से देखे जाए तो किडनी यानी क्या होता है, किडनी जो हमारे बॉडी में खाना आता है, जैसे हमारे घर में हम पानी फेंकते हैं तो गटर के रस्से से निकल जाता है, उसी तरह से हमारा ये शरीर भी एक घर है, घर के अंदर हम पानी डालेंगे, जो भी कचरा कूड़ा डालेंगे यानी जो भी खाना डालेंगे, वो खाना है उसको जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, जहाँ वो किडनी वो हमारे बदन से, हमारे बॉडी से वो क्लीन करती है। अगर वो क्लीनलीनेस अच्छा रहा तो आपका शरीर भी रोग मुक्त होगा, इसलिए जितने भी जंक फूड हैं
वो सारे जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। हमें खाना कहाँ से लेना चाहिए? खाना पेड़ से लेना चाहिए, जो प्लांट्स के ऊपर बनता है, जो प्लांट्स हमें देते हैं वो फूड लेना चाहिए, न कि जो प्लांट्स में बनता है, जो प्लांट्स में मैन्युफैक्चर्स होते हैं। सो वी शुड अवॉइड द फूड विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन द प्लांट्स। वी शुड टेक अ फूड विच इज़ गिवन बाय अ नेचर दैट इज़ फ्रॉम अ प्लांट। सो हमें प्लांट से खाना लेना चाहिए, प्लांट में जो मैन्युफैक्चर होता है उसे अवॉइड करना चाहिए। तो एकदम सिंपल रूल है, सो टेक अ फूड फ्रॉम द प्लांट्स, नॉट फ्रॉम द प्लांट्स विच मैन्युफैक्चर्स दिस आर्टिफिशियल अ डेड फूड विच इज अ यूजलेस फूड विच डजेंट गिव एनीथिंग टू योर बॉडी। आपके शरीर को वो कुछ नहीं देता है, इसलिए हमें जितना हो सके उतना ये फूड अवॉइड करना चाहिए। तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें खाना, क्योंकि वी आर कॉन्शियस ह्यूमन बींग, जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे, जब आप जानी होगी कि हमें ये खाना खाने से हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, ये खाना खाने से हेल्थ बुरा रहेगा, तो जब आपको वो जानी आएगी तो यू आर ए ह्यूमन बींग। सो दैट इज़ वाई आपको ह्यूमन बींग का एक इंसान कहते हैं। जब इंसान में इंसानियत डेवलप होती है तो वो कॉन्शियस होता है, और कॉन्शियसली वो जब खाना खाना चालू करता है तो वो रोग मुक्त होता है। तो हमें जीवंत खाना, जो जीवंत खाना है वो खाना खाना है, फ्रूट्स है, सलाद है, स्प्राउट्स है और ड्राई फ्रूट्स है। तो ये जो है ये जीवंत खाना है। उसके साथ में अगर आपको चाहिए तो वो घर का बनाया हुआ खाना है वो खा सकते हैं, क्योंकि उससे हमें एक बचपन से एक आदत हो गई कि हमें वो नहीं खाना खाएंगे तो हमारी एपेटाइट्स है वो सही नहीं रहे, हमारी भूख नहीं मिटेगी। तो ये खाना है, इस तरह से खाने से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा, बहुत कुछ फ़ायदा। हमें पैसे हम किस लिए कमाते हैं? पैसे हम कमाते ताकि हम हेल्दी रहें। खाना किस लिए खाते? ताकि हम हेल्दी रहें। तो हमें नेचुरल फूड ही खाना चाहिए, नेचुरल फूड खाने से हम हैप्पी और हेल्दी रहेंगे।